नमस्कार, मैं कोमल शेखावत, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। खबर है मथुरा से, जहां पे यात्रियों के लिए द्वारकाधीश मंदिरों में किया कंट्रोल रूम का शुभारंभ। देखते हैं हमारी खास खबर। मथुरा द्वारकाधीश मंदिर में पुलिस कंट्रोल रूम का शुभारंभ SSP अभिषेक यादव ने शनिवार को किया। द्वारकाधीश मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम उठाया गया है। SSP अभिषेक यादव ने बताया कि मंदिर में CCTV लगाए गए हैं। CCTV बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसमें इनके द्वारा न केवल भीड़ ही दिखेगी बल्कि लोगों के चेहरे भी साफ दिखाई देंगे। मंदिर परिसर में ही पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे और पूरे मंदिर पर निगाह रखी जा सकेगी। इसके साथ ही द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जूता घर का शुभारंभ शनिवार को किया गया। अभी तक यह व्यवस्था मंदिर में नहीं थी। इस दौरान मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी, वैद्य अशोक कुमार, SHO कोतवाली, चौकी इंचार्ज अनुज तिवारी आदि मौजूद रहे। और एक जो कंट्रोल रूम उसका उद्घाटन कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है इसका? इतनी जबरदस्त मान्यता है कि देश विदेश से सभी जगह से लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ के मंदिर प्रबंधन के सपोर्ट के साथ और उनकी कार्यकुशलता के चलते एक हमारे द्वारा अनुरोध किया गया था कि क्योंकि इतना बड़ा प्राचीन विशालतम मंदिर है और इतने लोग आते हैं, यहाँ पे एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम होना चाहिए जिसमें पुलिस व्यवस्था परमानेंट रहे, 24 घंटे रहे, जो लगातार निगरानी करती रहे। वो कंट्रोल रूम एक स्थापित किया गया है जिसमें काफ़ी कैमरेज हैं। इसके साथ साथ नए IP कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं, मल्टीपल स्क्रीन इंस्टॉल करी गई है। तो एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम है जहां पुलिसकर्मी बैठ के 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगा। इसके साथ साथ एक सामान घर और जूता घर, क्योंकि ये मथुरा के पुराने क्षेत्र में है तो यहाँ गलियां भी छोटी हैं, लोगों को बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। तो मंदिर प्रबंधन ने अपने ही क्षेत्र में से एक जूता घर और सामान घर बनाया है हमारे अनुरोध पर, जिसकी वजह से अब एक अच्छी बात ही रहेगी कि अमूमन क्या होता है कि पब्लिक रोड पे जूते उतार देते, चप्पल उतारे जाते, पुलिस ही बोलती है कि उतारिए, कोई जगह उनके पास होती नहीं है, फिर वो गुम हो जाती है, वो चोरी हो जाती है, वो मिलती नहीं है, वो इसलिए कि कोई व्यवस्था नहीं। तो आपने व्यवस्था करी है, पब्लिक अपना जूता चप्पल सामान रख सकती है, टोकन मिलेगा और शांतिपूर्वक दर्शन करके मतलब भाग दौड़ नहीं, परेशानी नहीं कि भाई कहाँ उतारे, फिर वहाँ पुलिस आने नहीं देती है, वापस घूमती है, 100 प्रकार की समस्याएं होंगी उन सबसे।